खून का एक एक कतरा पप्पू यादव लगा देगा। ये लोग घर में बैठे पॉजिटिव हो रहे हैं। पप्पू यादव 40 लाख लोगों से मिल चुका है, 4.5 महीना से ऊपर लगातार जनता के बीच है। हमको तो पॉजिटिव नहीं हुआ, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा और साथ साथ जितने नौ चल रहे हैं उसके बंदोबस्त, और जिसके पैसे आज तक ब्लॉक ने नहीं दिया उसकी पूरी पैसा नाभिक को मिलना चाहिए। सारे बंदोबस्त के पैसे सीओ और पदाधिकारी मिलके खा रहे हैं, जिसके चलते यह घटना घटित होती है। अति दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसके लिए पूरे बिहार में हम लोग आवाज लगातार उठा रहे हैं। नदी के भीतर कोई व्यवस्था आज तक नहीं की है, ना मेडिकल कैंप की व्यवस्था की है, ना ही आपने किचन की व्यवस्था की, ना ही पन्नी की व्यवस्था की, नहीं होता है। चापाकल पीने के लिए कहीं पानी नहीं, जानवर से बदतर जिंदगी जीते हैं लोग। इस कोरोना वायरस का वैक्सीन तो आ जाएगा, लेकिन इस नेता जो है, जो हमें सौदा करता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता है, कभी रफेल के नाम पर, कभी 5 किलो चावल के नाम पर, आज जब दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है, तो हम 5 किलो चावल और घर में बैठे जो अरबों खरबों रुपया ये मंदिर में अपनी मार्केटिंग पर पैसा लगाया, वो हम मंदिर पर लगा देते, यानी तो कोरोना वायरस के वैक्सीन पर लगाते, या तो बाढ़ में जो मर रहा है उस पर लगाते, या सीता मैया जहां डूबा हुआ उस पर लगाते, या जहां सुदामा सबरी और मीरा का गांव डूबा हुआ वहां लगाते, जहां राम रहते हैं केवट के घाट पे, राम रहते हैं सुदामा और मीरा के खून में, राम रहते हैं सबरी में, राम रहते हैं सीतामढ़ी जो डूबा हुआ है सीता के घर में, उसमें चर्चा नहीं। आप पन्नी और टॉर्च नहीं दे पाए और क्या दीजिएगा, जब महिलाओं की शौचालय नहीं दे सकते और क्या दीजिएगा। अभी 1.5 महीना बाकी है गंगा के उफान और नक्षत्र को, और सारी सरकार क्वारंटाइन है। आपदा और सिंचाई मंत्री एक बार नहीं निकला, और ना इंक्वायरी किए ना तो बर्खास्त किए। एक भी मंत्री नहीं जाता है किसी बाढ़ में और कहीं। सीओ वीडियो क्वारंटाइन हो गया, कलेक्टर पॉजिटिव से डर रहे हैं, और जनता भगवान भरोसे। 15 साल और 30 साल में अरबों खरबों रुपया बाढ़ पर खर्च हुआ, वो पैसा कहां गया? फ्लड फाइटिंग के नाम पर, आपदा के नाम पर अरबों खरबों लूट लिए गए, वो पैसा कहां गया? जब आप आए तो 15 साल पूर्व के बाढ़ पर काम नहीं हुआ और पैसा लूट लिए गए, तो इंक्वायरी क्यों नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई, एफआईआर लॉज क्यों नहीं हुआ पदाधिकारी पर, बांध तोड़ने वाले पर और नेताओं की संपत्ति पर? 15 साल के अंदर 3 मिनिस्टर आपके यहां रहे, पहले 5 साल में कुसात राज भी और 40 बांध टूटी, आपने इंक्वायरी नहीं बिठाया, किसी पर जांच नहीं हुई। फिर 5वें साल आपके दुलरवा मंत्री थे, कहलगांव का बांध 1 घंटे में टूट गया और 56 बांध उस साल टूटा, एक बार इंक्वायरी नहीं हुई। और इस बार महादुलरवा आदमी आपके सिंचाई विभाग, लगभग अभी तक 42 बांध टूट चुकी है। ना तो कभी ठेकेदारों पर आपने एफआईआर लॉन्च की, ना कॉन्ट्रैक्टर पे, माफिया पे,
ना ही पदाधिकारी थे, ना ही आप किसी सिंचाई मंत्री की जांच किया, और ना ही आपने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। और 15 सालों में लगभग उत्तर बिहार गंगा के किनारे से लेकर के बगहा तक, बागमती से लेकर गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, भूथी बलान, सुनार, मानंदा, कनकई, मैं ऑडिट की कई बार मांग कर चुका हूं, आपने कोई ऑडिट नहीं करवाया। मैं हाई कोर्ट से चाहता हूं कि आप लिखिए हाई कोर्ट 15 साल 30 साल का ऑडिट करें। हॉलमार्क 916 एवं 750 का सोना एवं चांदी की 100% गारंटी। फैंसी आभूषणों के लिए हमारे यहाँ पधारे। पता है नूतन ज्वेलर्स, मील रोड नियर रिलायंस टावर, आँख के डॉक्टर सतीश कुमार जी के बगल में, खगड़िया।